आज हम मनुष्य पृथ्वी पर सबसे विकसित जीव है। विज्ञान की मदद से हमें पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। पृथ्वी पर आज कई सारे जीव जंतु रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर तकरीबन 27 लाख प्रजाति रहती है। उनमें से 15% प्रजाति को ही हमने आज तक खोजा है। हर एक जानवर की अपनी अपनी एक अलग विशेषताएं होती है, लेकिन आखिर ये सब जानवर आए कहाँ से? पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए हम तकरीबन 4.5 अरब लाख साल पीछे जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष में चट्टान के गोले आपस में टकराए और एक विशाल चट्टान का रूप ले लिया। उस वक्त वह चट्टान एक तारे का चक्कर लगा रहा था। उस चट्टान के गोले पे जीवन उस वक्त नहीं था। उस चट्टान के गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया। उस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक था। काफी लंबे समय बाद पृथ्वी का तापमान कम हो गया। फिर पृथ्वी ने कुछ सालों बाद में आग के गोलों का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हेवी बम्बारमेंट। कई हजार साल धरती पर उल्कापिंड गिर रहे थे। उन उल्कापिंडों में बर्फ के क्रिस्टल थे और साथ में नाइट्रोजन गैस भी था। उस वजह से धरती चारों तरफ से समुद्र से भर चुकी थी, लेकिन पृथ्वी पर तब भी जीवन का उद्भव नहीं था। करीबन 3.8 अरब साल पहले फिर से उल्कापिंडे धरती पर गिरने लगी, लेकिन इस बार वो सिर्फ अपने साथ पानी ही नहीं लाई थी, बल्कि मिनरल भी लाई थी और साथ में कार्बन और प्रोटीन और अमीनो एसिड भी लाई थी। उस वक्त पृथ्वी पर समुद्र की गहराई में तापमान बहुत कम था, लेकिन पृथ्वी के अंदर की लावा की वजह से समुद्र के अंदर का तापमान भी बढ़ने लगा। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक यही पर जीवन का पहला बीज उत्पन्न हुआ। ये तो कोई नहीं जानता कि ये कैसे हुआ, लेकिन मिनरल्स और प्रोटीन के रिएक्शन से पहला एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुआ। आज से करीबन 3.5 अरब साल पहले इन एक कोशिकीय बैक्टीरिया की संख्या समुद्र में बढ़ती चली गई। वो बैक्टीरिया आपस में जुड़कर एक पत्थर की रचना में बदल चुके थे। उसे ट्रोमेटोलाइट्स भी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदल रहे थे और इस प्रक्रिया को हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी हम कहते हैं। बैक्टीरिया एक बाय प्रोडक्ट की उत्पत्ति करते थे, उसे ऑक्सीजन कहा जाता है, और वही ऑक्सीजन की वजह से आज हम जिंदा रहते हैं। आज धरती पर कोई भी जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ती रही कि आज से करीबन 1.5 अरब साल पहले ना ही कॉम्प्लेक्स लाइफ की उत्पत्ति हुई थी, ना ही धरती पर बड़े बड़े महाद्वीप थे। लेकिन धरती पर छोटे छोटे महाद्वीप थे। उसी समय पृथ्वी के क्रस्ट में हलचल होने लगी और धरती की सतह कई सारे प्लेट में टूट गई। फिर उस प्लेट के जुड़ने से एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसका नाम रूडेनिया है। उस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती पर दिन 18 घंटों का था, मगर अब समय के साथ यहाँ की परिस्थितियां बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब दो भागों में टूट गया था और धरती के नीचे का लावा विस्फोट के साथ धरती के ऊपर आ गया था। उस वजह से धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ने लगी और धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादल छा चुके थे। इस वजह से लगातार एसिड रेन हो रही थी। इससे धरती के वातावरण का कार्बन चट्टानों पर जमने लगा और इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई और धरती का तापमान बहुत तेजी से कम होने लगा और धरती पर आइस एज की शुरुआत हुई। समय के साथ साथ वायुमंडल में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और धरती का तापमान बढ़ने लगा। इससे धरती पर स्थित आइस क्रिस्टल पिघलने लगे। उस वक्त समुद्र के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने मिलता है।
एक कोशिकीय जीव अब कई अन्य जीवों में बदल चुका था। वह समुद्र के पौधे और छोटे छोटे जीव थे। एनामेला कैरिज और पिकाया जैसे जीव भी विकसित हुए थे। पिकाया केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे और उनके पास रीढ़ की हड्डी थी जो आगे चलकर हम इंसानों को मिली। तकरीबन 46 करोड़ साल पहले भी जमीन पर रहने वाले जीव नहीं थे। पेड़ पौधे भी धरती के सतह पर नहीं थे क्योंकि सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज अब डायरेक्ट धरती पर गिर रहे थे। लेकिन अब धरती पर नई परत का निर्माण होने लगा था जिसे हम आज कहते हैं ओजोन लेयर। वायुमंडल का ऑक्सीजन सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख कर ओजोन गैस में बदल रहे थे जिसने धरती की चारों ओर एक चादर का निर्माण किया। इसके कारण धरती पर सेवाल बढ़ रहे थे। समुद्र में रहने वाली एक मछली टिक टैली जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया। समय के साथ ये धरती पर ज़्यादा देर रहने लगी जिससे उसके अंग काफ़ी विकसित हुए। विकास के बाद ये जानवर धरती पर रह सकते थे जिसे हम कहते हैं टेट्रापोड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। ये ही वो जीव है जो आगे चलकर डायनासोर बर्ड्स और मैमल्स में विकसित हुए। लेकिन अब धरती पर एक और बड़ी विपत्ति आने वाली थी। जीवन का विकास हो रहा था लेकिन धरती का वातावरण भी बदल रहा था। धरती पर फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बढ़ने लगा। उस वजह से सारे पौधे सूख गए और कई जानवर खत्म हो गए। उसमें कुछ जीव ही जिंदा बचे जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहना शुरू किया। समय के साथ धरती का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। अब धरती का भूभाग बदल चुका था। जिन्होंने आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसे कहा जाता है पेंजिया। फिर बाद में धरती का तापमान वापस से सामान्य होने लगा। धरती पर जो जीव बच चुके थे वे अब बहुत विकसित हो चुके थे। उन्हीं रेंगने वाले जीवों में से एक ऐसा भी जीव विकसित हुआ जो आगे चलकर धरती पर राज करने वाला था। उसे कहा जाता है डायनासोर्स। डायनासोर की कई प्रजातियां धरती पर विकसित हुई। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी भी थे। डायनासोर ने भी कई साल तक धरती पर राज किया। फिर आखिरकार पृथ्वी पर इंसान कैसे आए ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।